राम कहो। लाल जी का हाँ 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 जो ताली बजा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों हाथ खड़े की स्पीड में आओ। हाँ भाई साहब, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, भारत भूमि की, बोले बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। रावत जी टेंट बढ़वाओ, अब कम पड़गो। आओ देखो माए बेचारे भी धूप में खड़े, चलो कछुनी अबे तो ठंडी आए, सेंक लो शरीर। हाँ नहीं सेंक लो, सेंक लो, ज्यादा भर ना सके जाइयो। अच्छे से बैठो, पहले ठीक से बैठो, नजदीक आओ ताकि पढ़ सको, और नजदीक आ जाओ। कहाँ से आए हैं? महोबा से। पहली बार आए भैया, नजदीक करो भाई। क्या नाम है आपका? दीपक। बोलो बेटू, क्या बात? महाराज जी, एक तो घर की बहुत ज्यादा स्थिति जो है खराब है, मम्मी एक्सपायर हुई, तो घर बहुत ज्यादा संकट में है जी। और जो है कुछ पैसा जो है दूसरी जगह फंसा हुआ है, वो लोग वापस नहीं कर। नजदीक करो भाई, किसके यहाँ फंसा है? हैं जो हमारे पार्टनर वगैरह हैं। हाँ, काय का काम था? हमारा छूने का काम है। पढ़ो, छोटी नजदीक आओ। काम में उन्नति नहीं हो रही, धन रुका, आशीर्वाद कृपा होगी, आपके घर में टोटका किया है, आपके यहाँ माइक माइक नजदीक यही लिखा है। हाँ। आपके यहाँ टोटका किया है जिससे परेशानी व अकाल मृत्यु हो रही, 100% धन प्राप्त होगा। आप दीपक उर्फ दीपू हैं, 4 माह में मार्ग खुलेगा, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा करते भगवान की। 4 माह बाद रास्ता खुलेगा, रुका पैसा मिलेगा। धाम पर आपको भोज पत्र में अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, ध्यान पूर्वक सुने, दोबारा नहीं बताएंगे, अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम भोज पत्र में लाल स्याही के पेन से लिखकर, लाल रंग के कपड़े में रखकर, एक नारियल साथ में रखकर और लाल रंग के कपड़े को बांध दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा में, पुनः सुन लें, अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम भोज पत्र पर लिखना है, लाल रंग की स्याही के पेन से आपको लिखना है, और लाल रंग के कपड़े पर भोज पत्र रख दें, नारियल रख दें, गांठ लगा करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ आवे, ऐसी कृपा होगी कि रुका धन प्राप्त होगा। टोटका ईर्षा बस परिवार जनों द्वारा करवाया गया, सन 2009 से समस्या है, पर अत्यधिक परेशान 2016 से हैं। धन आपका रुका हुआ टोटल 7 लाख के लगभग का जो प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या यही बात है? माइक से बोलो बात एकदम सही। महाराज जी विवाह में अर्चन आ रही है, जो भी दूर हुई है बब्बा जू जय जय करें। जो भैया तुम आओ पर्चा, भभूति उतन से प्राप्त करो, धाम की पेशी करो, नियम को पालन करो, तो बब्बा जू कृपा करें, ना करो तो ना तो भैया हम भगवान हैं, ना तुम इतने बड़े बारे भक्त हो। महाराज बागेश्वर महाराज की जय। बागेश्वर बालाजी की, बालाजी महाराज की जय हो। कभू भी जय बोलो तो बागेश्वर बालाजी की बोलो भैया। हाँ, बालाजी ना होते हमें कोची न, तो मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ, इसे कक्का हरो, तुम बागेश्वर बालाजी की जय बोलो। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।